वीएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी खोलने का जो आदेश जारी हो चुका है इसके संबंध में इस वीडियो में बताया गया है। 7 सितंबर 2020 को ये आदेश जारी हो चुका है। इसमें आपको आंगनवाड़ी खोलने का जो समय भी इस आदेश के अंदर लिखा गया है। इस आदेश में क्या क्या है और आपको क्या आंगनवाड़ी केंद्र पर क्या क्या कार्य करना होगा इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक आपको देख लेना है जिसे आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल में जुड़ना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा या हमारे चैनल में जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। 7 सितंबर को आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का आदेश आ चुका है। जो समस्त आंगनवाड़ी केंद्र जो राजस्थान की समस्त आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से खोलने का आदेश जारी हो चुका है। 7 सितंबर से ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में क्या क्या है, क्या क्या आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर आपको कार्य करना है और इस आदेश के अंदर ये भी लिखा गया है कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर क्या क्या करना है, क्या क्या कार्य करना है, वो सभी जानकारी इस आदेश में दी गई है। और इस आदेश में क्या है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। कोरोना संक्रमण बचाव के लिए ऐतिहासिक तौर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश दिनांक 24/3/2020 द्वारा 25/3/2020 से पूरे देश में 21 दिवस के लिए लॉकडाउन किए जाने के क्रम में प्रदेश में निदेशालय के आदेश क्रमांक दिनांक 31/3/2020 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक सभी मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र तथा मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखे जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों के संबंध में रिकॉर्ड के उचित साधारण आंगनवाड़ी गतिविधियों में केंद्र में सुव्यवस्थित रूप से संचालन के दृष्टिगत नियमानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। एक नंबर है, समस्त आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से खोले जाए समय पर 10 बजे से 1 बजे तक। दो नंबर है, आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी नियमित रूप से उपस्थित होकर आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में गतिविधियों के रिकॉर्ड साधारण केंद्रों की सफाई न्यू गार्डन की देखभाल की जाए। तीन नंबर है, केंद्र के मासिक रूप से निर्धारित मातृ शिशु एवं पोषण दिवस के दिन लाभार्थियों के टीकाकरण स्वास्थ्य की जांच एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग परामर्श सेवाएं आदि गतिविधियों को पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग व सावधानी रखते हुए संचालित की जाए। चार नंबर है, केंद्र पर निर्धारित मातृ शिशु एवं पोषण दिवस के दिन उपस्थित लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में पूर्व पोषण का वितरण किया जाए तथा अनुपस्थित लाभार्थियों को उनके घर पर ही पोषण का वितरण किया जाए। पांच नंबर है, PMMVY के तहत पात्र लाभार्थियों के फॉर्म भरकर महिला परिवेक्ष को देना। सिक्स नंबर है, साप्ताहिक ECI लॉगिन सामग्री कैलेंडर वीडियो अभिभावक तक भिजवाई जाए और शाला पूर्वक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। सेवन नंबर है, माह सितंबर 2020 में मनाए जाने वाले पोषण माह को पूर्ण तैयारी व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सफलतापूर्वक मनाई जाए। एट नंबर है, आगामी निर्देशों तक केंद्र पर 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित गर्म भोजन नाश्ता एवं शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित गतिविधियों संचालित नहीं की जाए, इसके स्थान पर टेक होम राशन दिया जाए। 9 नंबर है, पुराने बकायेदायित्वों सभी योजना के रजिस्टर मेंटेनेंस आदि पूर्ण किए जाए। 7 सितंबर को आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का जो आदेश आ चुका है, राजस्थान की समस्त आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से खोलने का आदेश जारी हो चुका है। जो 10 बजे से 1 बजे तक का नियमित जो भी आंगनवाड़ी केंद्र का समय होगा ये होगा और इसमें जो भी इस आदेश के अनुसार जो कार्य बताए गए हैं वो सभी कार्य आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर आपको करना होता है। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा उसको भी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। इसी तरह की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।